हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी फुली सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। तो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को अपनी कॉपी नंबर 1 में लिखना है, जिसको मैंने आप लोगों को पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो समझना क्या है, देखिए एक पॉइंट को, एक एक क्वेश्चन को मैं डीपली समझाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से जरूर समझें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज सिग्निफिकेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में, समाज में किस प्रकार से रिप्रोडक्टिव हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंस होती है, इसकी इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है, कारण बताना है आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन, हालांकि वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता, ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा बोर्ड में नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर अपनी कॉपी में उतारें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको मैं बता देता हूँ। देखिए, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू ऑफस्प्रिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, इस दुनिया में न्यू ऑफस्प्रिंग्स को आने के लिए जो प्रेरित करते हैं वो एक प्रोसेस होती है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज सिग्निफिकेंट टू गिव बर्थ टू हेल्थी एंड फिट ऑफस्प्रिंग। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही उस गिविंग बर्थ बेबी की ही हेल्थी कंडीशन को बताती है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एज ग्रुप्स, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी एज ग्रुप के, स्पेशली यंग बॉयज़ एंड सो गर्ल्स रिप्रोडक्टिव एज के लिए। ठीक है, तो ये जो एजुकेशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो गई। इसी वजह से नॉलेज और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज एसेंशियल टू द बॉयज़ एंड ऑल्सो गर्ल्स ऑफ प्यूबर्टियल एज। मतलब जी हाँ, 12 से जो 14 साल की अवस्थाएँ होती हैं उनमें ये एजुकेशन आप लोगों के एजुकेशन सिस्टम में जोड़ दिया गया, जिसमें आप लोगों को अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल्स में बताया जा सके, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस। क्योंकि आप लोग जानते हैं प्यूबर्टी एक ऐसे समय होता है जिसमें कई तरह के चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड ही आज का चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, इन दियर ड्यूरिंग प्यूबर्टल एज। तो प्यूबर्टल एज के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पहला क्वेश्चन डीपली समझ में आ गया होगा और आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर जरूर दे पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सजेस्ट द एस्पेक्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच नीड टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो। देखिए, सजेस्ट करना है आप लोगों को, ऐसा एस्पेक्ट बताना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जिसकी आवश्यकता होती है स्पेशल अटेंशन को देखते हुए इन द प्रेजेंट सिनेरियो, आज के इस युग में। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच नीड टू गिवन स्पेशल अटेंशन टू द प्रेजेंट सिनेरियो, और देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला, नॉलेज टू यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। देखिए, ये जो जानकारी होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, ये जो आजकल की युवा पीढ़ी है उनमर उन तक ये जो है जानकारी जरूर से ज़रूर पहुंच जानी चाहिए। क्या करना, उनको डिस्करेज नहीं होने देना है, देम फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स, कई तरह के अंधविश्वास जो बनाए गए हैं इनसे दूर करना है, एंड हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। तो कई तरह के जो सेक्स रिलेटेड जो मिसकंसेप्शन होते हैं इनको बिल्कुल क्या करना है, एकदम क्लियर करा क्या बता देना है। नॉलेज ऑफ फैमिली प्लानिंग टू द पर्सन टू रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स, और नॉलेज देना है उन लोगों को फैमिली प्लानिंग के अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स के। ठीक है, सो दैट द की फैमिली साइज स्मॉल एंड हैव साउंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है अच्छा खासा बना रह सके। क्वेश्चन नंबर 3, इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल्स। क्या स्कूल्स में ये सेक्स एजुकेशन जो आप लोगों को दिया जाता है, जिस प्रकार से इस चैप्टर के बारे में बताता हूँ डिटेल में, तो क्या ये जरूरी है या फिर नहीं जरूरी है? तो बिल्कुल ज़रूरी है, यस, सेक्स एजुकेशन इज एसेंशियल इन स्कूल। स्कूल में इस तरह की एजुकेशन जरूर दी जानी चाहिए। इसका कारण क्या है, दिस इज़ बिकॉज चिल्ड्रन अटेन देयर प्यूबर्टल एज। क्योंकि जो 14 से 18 साल की जो युवा अवस्था होती है, या फिर 12 से 18 साल की जो युवा अवस्था होती है, उस समय जो चेंजेस आते हैं, कई तरह के जो फिजिकल चेंजेस आते हैं जिसमें प्यूबर्टल एज के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग देयर स्कूलिंग, स्कूल के समय इस तरह के चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। प्यूबर्टल ब्रिंग्स ड्रास्टिक चेंजेस इन द फिजिकल एंड द मेंटल डिजाइन ऑफ द बॉडी, और कई तरह के मेंटल इशूज़ बनने लगते हैं। इफ़ चिल्ड्रन आर अवेयर, अगर चिल्ड्रन को इस समय पर जागरूक कर दिया जाए ऑफ सच चेंजेस, जो चेंज उनके अंदर आ रहे हैं इसको पहले से ही जागरूक कर दिया जाए, दैट दे कैन बी प्रिवेंटेड, और वो अपने आप में बचाव कर सकेंगे फ्रॉम बिलीविंग इन द मिथ, और अंधविश्वास से वो बिल्कुल दूर रह सकेंगे, एंड हैविंग मिसकंसेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, और कई तरह के सेक्स रिलेटेड जो एस्पेक्ट बने हुए उनके दिमाग में वो दूर हो सकेंगे। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना, मैं वही बताता चलूँ। व्हाट आर द सजेस्टेड रीजन फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है अचानक से, इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, इसका आप लोगों को सजेस्ट करना है, कुछ रीजंस बताने हैं। तो कौन कौन से रीजंस होते हैं, देखिए, सम इम्पॉर्टेंट रीजंस फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर, कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, इलिटरेसी। देखिए, अगर आप लोग शिक्षित नहीं हैं तो इस तरह की कंडीशंस बिल्कुल जायज है ऐसे देश में। फिलहाल आप लोगों को शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, आप लोग शिक्षित बने और जनसंख्या इस तरह की जो विस्फोट हो रहा है ये ना हो सके। क्वेश्चन इस पॉइंट का 2nd पॉइंट है, मोर हैंड मोर इनकम थिंकिंग। देखिए, जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतनी ज़्यादा
थिंकिंग ऑफ अर्निंग मनी कह सकते हैं या इनकम कह सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह की यहाँ पर जो एक्सप्लोजन की बात हो रही है बिल्कुल उसी तरह की एक्सप्लोजन यहाँ पर इस पॉइंट से रिलेटेड बताया गया है। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द कंट्रासेप्टिव, देखिए कई जगह पे, कई शहरों में, कई जगह में या फिर गाँवों में, कस्बों में कई तरह की कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है, जिस कारण जो यहाँ पर विस्फोट की बात की जा रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की जा रही है, बिल्कुल उस तरह से संभव है जहाँ पर इस तरह की कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है। अगला है डिक्रीज इन डेथ रेट, तो जो मृत्यु दर है उसमें भी डिक्रीजमेंट दिखा गया है। मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट MMR में भी जो है, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट में भी देखा गया है, डिक्रीजमेंट दिखाई गया है। तो ये भी एक कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, जिस वजह से जनसंख्या की वृद्धि धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। अगला क्वेश्चन, जो रिमूवल ऑफ गोनेड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन, देखिए रिमूवल ऑफ गोनेड्स की बात करें तो गोनेड्स का मतलब होता है सेक्सुअल पार्ट, ठीक है, सेक्सुअल पार्ट का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटा देना, बिल्कुल हटा देना, रिमूव कर देना वहाँ से, कंसीडर करता है कि कंट्रासेप्टिव ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वाई। तो चलिए बात करते हैं क्यों ऐसा है, तो बता देता हूँ। गोनेड्स आते हैं इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन होता है विच नॉट ओनली प्रोड्यूस गैमेट, ये सिर्फ गैमेट का प्रोडक्शन ही नहीं करता बट ऑल्सो प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन का भी प्रोडक्शन करता है। सेक्स हार्मोन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन सेट ऑन द प्यूबर्टी एज वेल एज सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स को भी ये बनाए के रखता है। सो रिमूवल ऑफ गोनेड्स वुड मेक द इंडिविजुअल कम्प्लीटली स्टेराइल, देखिए पूरी तरह से गोनेड्स को हटाया जाना ही क्या होगा, इससे इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत रूप से कम्प्लीटली क्या हो जाएंगे, स्टेराइल हो जाएंगे, मतलब किसी भी जो है कार्य के नहीं रह जाएंगे। और एंड ही सी वुड हैव properly developed sex organs, so removal of gonad cannot be considered as a contraceptive option, देखिए सिर्फ ये कारण नहीं हो सकता, पूरी तरह से gonads को हटाया जाना ही एक contraceptive option नहीं हो सकता। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, अमीनो जो बात की गई है, अमीनोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन बैंड इन आर कंट्री, तो हमारे देश में जो अमीनोसेंटेसिस जो सेक्स डिटर्मिनेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है उसको पूरी तरह से बैन कर रखा गया, इन दिस नेसेसरी भी, क्या ये आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। बैन ऑफ द अमीनोसेंटेसिस इज नेसेसरी बिकॉज द प्रैक्टिस इज बींग मिस यूज इन द कंट्री, देखिए इसका जो इस्तेमाल अन्य देशों में देखा गया है तो वहाँ पर उसका मिस यूज हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बैन कर दिया गया है। बाय दिस प्रोसेस द सेक्स ऑफ फीटस कैन बी आइडेंटिफाई, जिसकी वजह से जो फीटस होता है, मतलब जो महिलाओं के जो भ्रूण में, या फिर ये बात करें कि उनके जो पेट में शिशु जो डेवलप हो रहा है, उससे उनकी जो सेक्स होती है, मेल है कि फीमेल है, ये पता करना अपराध माना गया है भारत देश में, ऐसे देश में इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो लिंग की जांच कराना भी गैरकानूनी हो चुका है। इन द वांट ऑफ द मेल बेबी मैनी पर्सन्स गो फॉर द एबॉर्शन ऑफ द फीमेल बेबी, कई लोगों ने एबॉर्शन भी कराया है अगर उन्होंने इस तरह की जाँच कराई है फीमेल इन्फेंटिसाइड को देखते हुए। सो टू डिस्करेज प्रैक्टिसेस, इस तरह की प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज अ बैन ऑफ द प्रोसेस, और इस चीज़ को बैन कर दिया गया है हमारे देश में, ठीक है। उसके बाद सजेस्ट सम मेथड्स ऑफ द असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रन, देखिए कई ऐसे कपल्स होते हैं जिनमें इनफर्टिलिटी देखी गई है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं बांझपन कह सकते हैं, कई पुरुषों में भी इस तरह की समस्याएं आई जिसकी वजह से वो बाप नहीं बन पाते, पिता नहीं बन पाते। तो मोस्ट इनफर्टिलिटी केसेस देखा गया 85-90% केसेस में आर ट्रीटेड करते हैं द कन्वेंशनल थेरेपीज के अकॉर्डिंग, सच एज ड्रग ट्रीटमेंट, मतलब उनको दवा देकर हम लोग ठीक कर सकते हैं, और सर्जिकल रिपेयर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कई तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अकॉर्डिंग हम लोग उनको जो है सर्जिकल मेथड के तौर पर ठीक कराया जा सकता है। कॉमन लाइन्स ऑफ द ट्रीटमेंट्स आर, देखिए कौन कौन सी कॉमन लाइन्स होती हैं, फर्टिलिटी मेडिकेशंस विच स्टिमुलेट द ओवरीज टू रिपिन एंड रिलीज एग्स, देखिए एग्स का बनना जरूरी है अगर जो है फर्टिलिटी बनी रहे तो एग्स का बनना भी जरूरी है। तो इसको देखते हुए कई तरह के ड्रग कह लें या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कह लें इसका इस्तेमाल होता है। देखिए पहले पॉइंट में ही बता दिया गया है, सर्जरी टू रिस्टोर द पोटेंसी ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टेड फेलोपियन ट्यूब स्टिक, इसको बोलते हैं ट्यूबोप्लास्टी। तो ट्यूबोप्लास्टी के द्वारा ये संभव हो पाया है कि फर्टिलिटी को बनाया गया है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एज आल्सो अ मॉडर्न कंसेप्ट मेथड, जिसमें क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको हम लोग कहते हैं, इन फर्टिलिटी कपल्स, जो फर्टिलिटी कपल्स नहीं होते वेयर वुमेन हैव ब्लॉक और एब्सेंट फेलोपियन ट्यूब, जहाँ पर वुमेन की जो महिलाओं की फेलोपियन ट्यूब्स होती है वो ब्लॉक हो जाती है, और वेन मैन हैव लो स्पर्म काउंट्स, और उनका जो स्पर्म काउंट होता है मैन का वो कम हो जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हेल्प करता है, ऑफर ए चांस करता है टू अ पेरेंटहुड, मतलब अभिभावक बनने का एक चांस देता है कपल्स को, हु अनटिल रिसेंटली वुड हैव हैड नो होप ऑफ हैविंग ए बायोलॉजिकल रिलेटेड चाइल्ड, मतलब जिनमें बिल्कुल भी आशा की किरण नहीं रह जाती है कि वो चाइल्ड मतलब बच्चे जो है पैदा कर सके। इन विंटर फर्टिलाइजेशन एक्स आर सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, मतलब सर्जिकली निकाल लिया जाता है फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से निकाल लिया जाता है और उसको मिक्स्ड करा जाता है स्पर्म के साथ,
आउटसाइड द बॉडी, मतलब बाहर टेस्ट ट्यूब की बात करें तो टेस्ट ट्यूब में इसका जो है मिक्सअप किया जाता है पेट्री डिश के अकॉर्डिंग। इन विट्रो आफ्टर फर्टिलाइजेशन 30 आवर्स की होती है। द एग्स आर एग्जामाइंड किया जाता है टू सी इफ हैव बिकम फर्टिलाइज बाई द स्पर्म और नॉट एंड हैविंग डिवाइडेड इंटू सेल्स, में डिवाइड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। दीज फर्टिलाइज एग, जिसको एम्ब्रियो नाम दिया गया है, आर देन प्लेस्ड इन द वुमेन्स यूट्रस, और उसको प्लेस कर दिया जाता है वुमेन के यूट्रस में। दस बाईपासिंग द फेलोपियन ट्यूब्स, और उसकी जगह वहाँ पर जो है धीरे धीरे बाईपासिंग करते हैं फेलोपियन ट्यूब्स की वजह से। उसके बाद जो अगर बात करें इंट्रासेप्टोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो ICSI की बात की जा रही है, इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक के द्वारा हम लोग अ सिंगल स्पर्म इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू एन एग, तो डायरेक्टली किसी एग में हम लोग सिंगल स्पर्म को इंटर करा सकते हैं। द फर्टिलाइज एग इज देन प्लेस इन द वुमेन्स यूट्रस एज इन IVF, जिस तरह से IVF में हम लोग ने देखा था, बिल्कुल उसी तरह से आगे की प्रोसेस इसमें भी होती है। अगला पॉइंट जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसका मतलब ये हुआ कि इस टेक्निक के द्वारा जो एग्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द व्यूमन से फर्टिलाइज एंड देन प्लेस इन द वुमेंस फेलोपियन ट्यूब्स रैदर देन द यूटरस, तो फेलोपियन ट्यूब्स में उनको क्या करते हैं ट्रांसफ़र कर देते हैं रैदर देन यूटरस। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। इन दिस टेक्निक एग्स आर रिमूव करते हैं फ्रॉम द वुमेन से, एग निकाल लिया जाते हैं एंड प्लेस इन वन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। देखिए दो तरीके, दो फेलोपियन ट्यूब होती है जिनमें से एक में हम क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं अलॉन्ग विद द मेंस स्पर्म के साथ में, ठीक है। दिस अलाउ फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस इन साइड द वुमेन्स बेबी, जिससे क्या होता है फर्टिलाइजेशन इन साइड ओवरी होता है। और लास्ट में है डोनर और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखिए इंसेमिनेशन क्या है, किसका है, जो डोनर होता है मतलब जो डोनेट करता है स्पर्म उसकी बारे में बात कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द वुमेन बीइंग आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड विद डोनर स्पर्म्स और हर हस्बैंड स्पर्म, ठीक है। तो कई महिलाएं आजकल इस तरह से जो है माताएं बन रही हैं इस तरह की इंसेमिनेशन प्रोसेस के द्वारा। दीज आर इंट्रोड्यूस एदर इनटू द वेजिना और डायरेक्टली इनटू द यूट्रस, तो दिस फर्टिलाइज पीरियड के दौरान ही इसका इस्तेमाल कराया जाता है। ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपनी आप लोग कॉपी में जरूर लिखें। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, NCERT एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन सारे देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, कॉपी नंबर टू में आप लोग जरूर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इज अलार्मिंग, ठीक है, अलार्म एक तरह से बच चुका है, सजेस्ट वे टू चेक इट, कैसे इसको चेक कर सकते हैं। देखिए कई तरह के संसाधन हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को देखते हुए। तो पहला है बाय इंक्रीजिंग मैरिजेबल एज। देखिए बाय इंक्रीजिंग मैरिजेबल एज का मतलब होता है मैरिज की जो एज है उसको इंक्रीज़ करके। दूसरा है बाय प्रमोटिंग यूज़ ऑफ बर्थ कंट्रोल मेज़र, तो प्रमोट करना है यूज़ बर्थ कंट्रोल मेज़र को। बाय एजुकेशन या एजुकेटिंग पीपल अबाउट कंसिक्वेंस ऑफ द कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ये है तीन पॉइंट जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया की जो अलार्मिंग हो रही है उसको देख सकते हैं। उसके बाद कमेंट करना है आप लोगों को ऑन द RCH प्रोग्राम टू द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल। द बेसिक एम ऑफ द RCH जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। देखिए चाइल्ड हेल्थ का जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ की बात की जा रही है ये सबसे इंपॉर्टेंट है सिनेरियो टुडेज लाइफ। प्रोग्राम आर क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस, देखिए इस तरह के प्रोग्राम पब्लिक अवेयरनेस के लिए बनाए गए हैं रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एक्सपर्ट के दौरान। एंड प्रोवाइड करती हैं हमको बेस्ट फर्टिलिटी टू बिल्ड अप हेल्दी सोसाइटी एंड विद एडेड एम्फेसिस ऑन द हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड। देखिए माता को या फिर जच्चा या बच्चा जो होते हैं उनको स्वस्थ बनाए रखना है, इस तरह की जो प्रोग्राम इसी वजह से चलाया भी जा रहा है जिसमें दोनों ही सुरक्षित रहें और दोनों ही स्वस्थ रहें। देखिए ब्रीफली एक्सप्लेन IVF एंड ET, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, इसको आप लोगों को बिल्कुल अपनी कॉपी में इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद ऑल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो बनाए गए हैं RTS एंड STDs सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ वाले, इसको भी आप लोगों को मैंने समझा दी, उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी कॉपी में सारे क्वेश्चंस को लिख लोगे। देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, डिफाइन ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी, इसके बारे में तो आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर टू में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में जरूर उतारें। टू एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, देखिए दो तरह के कई तरह के कंट्रासेप्शन मेथड होते हैं, यहाँ पर आप लोगों को दो ही लिखने अपनी कॉपी में। उसके बाद टू सर्जिकल मेथड ऑफ द कंट्रासेप्शन, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। देखिए वेसेक्टोमी जो होता है बेसिकली मेल्स में होता है और ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स में होता है। MMR का फुल फॉर्म एक्सपेंड करने के लिए आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। IMR का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। स्टरलाइजेशन प्रोसेस पूछी जा सकती है, इसको जरूर अपनी कॉपी में लिखते चले। वॉट आर द कॉमनली यूज बैरियर मेथड ऑफ द कंट्रासेप्शन, इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा रखा है, आप लोगों को जरूर लिखें। नेम द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ द एड्स, एड्स का फुल फॉर्म जरूर याद करके जाएं, ठीक है। इसको कई बार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसका जो एजेंट होता है जिसकी वजह से फैलता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसको जरूर याद करें।
ठीक है, नेम टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन कौन सी हैं जो कॉज बाय बैक्टीरिया के द्वारा होती है, एक तो सिफिलिस है और दूसरा गोनोरिया है, इन दोनों को जरूर अच्छे से पढ़ के जाएं, एक्सपेंड करना है आप लोग, फुल फॉर्म जरूर याद करनी है अच्छे से। मीन बाय द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, उसके बाद आप लोगों को ZIFT STD ये सारे फुल फॉर्म जो भी बताए जा रहे हैं उसको जरूर अपनी कॉपी में लिखें। सहेली एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है फीमेल्स के लिए, इसको जरूर अपने कॉपी में लिखते चलें। इनफर्टिलिटी क्या होती है इसके बारे में आप लोगों ने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखा है, अच्छे से समझ लिया होगा आज का चैप्टर है NCERT क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी, कहीं कोई डाउट अगर रह गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।